हेलो डॉक्टर, बहुत अमीर हो गए हैं, इसलिए हम लोग आज खरीदेंगे एक रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन कहाँ है? अरे चलो मैं दिखाता हूँ, यहीं पे तो है। ये देखो, ये रहा मेरा इतना सुंदर रेलवे स्टेशन। सुंदर सुंदर कहाँ से है ये? लगता है यहाँ सब कूड़ा फेंक के जाते हैं, ये इतना गंदा कैसे हो गया? दोस्तों, ये 20 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, इसलिए बहुत गंदा है। तो हमें पूरे स्टेशन को साफ करके एकदम नए जैसा बनाना होगा। अरे यहाँ पे तो कुछ लिखा भी हुआ है, सब क्या? मुझे लग रहा है कि इसे मंजुलिका ने किया है। ये कौन है? चुड़ैल है बेटा। अरे देखो, स्टेशन की सफाई से पहले मुझे टॉयलेट जाना है। अरे ये क्या, तो बहुत गंदा लगता है, इसको जानवर यूज करता है। यहाँ पे एक बिल्डिंग भी, चलो उसमें देखते हैं क्या है। ये रहा उसका डोर, चलो अंदर चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंदा है, सबको साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। चलो सफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं डस्टबिन, उसमें हम लोग सारा कूड़ा फेंकेंगे। चलो दोस्तों, स्कैन करके देखते हैं कितना काम करना है। अरे बाप रे, सारा रेड रेड हमें काम करना है, सब साफ करना है तो बहुत ज्यादा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने एक और डस्टबिन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा है। चलो फिर कूड़ा डालना स्टार्ट करते हैं, इसको डस्टबिन में डालते हैं। अरे तुम लोग इतने धीरे धीरे क्यों करो, जल्दी करो, बहुत काम है। कूड़ा डाल लेते हैं इसमें। अरे दोस्तों, ये चेयर की क्या हालत हो गई है, लगता है इस पे हाथी बैठ गया था। और ये क्या, यहाँ पे इतनी सारी बोतलें क्यों पड़ी हैं? लगता है यहाँ पर लोग पार्टी करते हैं। अरे उठाओ उसको जल्दी। और ये हो गया, सारी उठा ली। अरे पावर कार के सामने इतनी बड़ी बोतल पड़ी दिखा नहीं दे रही, अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो ट्रेन के नीचे फेंक देंगे, मर जाओगे। मेरी बस स्टैंड, अपने गुस्से को दूर रखो। ओह माय गॉड, ये सारी तो दारू की बोतलें हैं, यहाँ पे दारू पार्टी कौन करता है? नहीं अभी, वो फ्रूटी की बोतल है। अरे लेकिन एक मिनट, नीचे क्या, नीचे तो ईंटें पड़े हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि इन पत्थरों से किसी ने स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे तो सब कुछ साफ कर लिया है, लेकिन ये जो टूटी टूटी चेयर है ना, इनको चलो हम लोग तोड़ देते हैं और यहाँ पे नई चेयर लगाएंगे। चलो फिर अपना हथियार निकालते हैं, ये ठीक रहेगा, इससे तोड़ते हैं। वो तो गायब ही हो गई, इससे हम लोग सब कुछ तोड़ डालेंगे। अरे ये क्या, बारी कहाँ से आ गए? और अब बस आखिरी चेयर बची, उसको भी तोड़ देते हैं। और दोस्तों, ये जो घास फूस है, इनको भी हटा देते हैं, वरना कोई पैसेंजर इसमें फंस के गिर जाएगा। हम लोग का प्लेटफॉर्म पूरा साफ हो चुका है। ये देखो दोस्तों, ये सामने स्टेशन का वेटिंग रूम है, इसे अंदर से भी साफ करना है, लेकिन चलो पहले इसे बाहर से साफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये घास निकालते हैं। अरे मम्मी, रहे इस कोने में तो जाला वाला लगा। अरे दोस्तों, इस वेटिंग रूम की दरवाजे और खिड़की भी टूट चुकी है, इन्हें भी सही करना। सबसे पहले इन लकड़ियों को हटाते हैं। खिड़की टूटी कैसे? चलो फिर अब मैं इस खिड़की को नया जैसा कर देता हूँ, आबरा का ढाबा। अरे मैं साथ, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, चलो इस खिड़की को भी जल्दी से कर दो। इस दरवाजे को भी नया कर दो, आबरा का ढाबा। चलो फिर अंदर भी देख लेते हैं, ये है वेटिंग रूम, यहाँ पे लोग ट्रेन का इंतजार करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, ये मशीन भी टूटी है, इसको भी लगाना पड़ेगा। चलो फिर तोड़ना शुरू करते हैं। चलो पहले इस रूम को पूरा खाली कर देते हैं, फिर हम लोग नया नया सामान रखेंगे। अरे जल्दी जल्दी तोड़ो, हम लोग को ट्रेन स्टेशन आज ही शुरू करना है। ये सब तोड़ दो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो। नहीं, इसको मत तोड़ना। अरे कोई बात नहीं शिनचैन, हम लोग सब कुछ नया नया रखेंगे यहाँ पे। लेकिन सारी चीजें तोड़ दी है। अरे पर जमीन इतनी गंदी कैसे हो गई? अरे मुझे तो लगता है नोबिता ने यहाँ पे पॉटी कर लिया, जल्दी से इसको साफ करो। अरे मैं कुछ भी क्या बोल रहे हो, पागल हो चुके हो क्या एकदम? ये तो साफ ही नहीं हो रहा, हो गया। अरे आगे भी आगे, मसाले सूसु कर दी, इसको साफ करो। मसाले से तुम ही साफ करो, ठीक है? अरे सामने तो स्पाइडर मैन ने जाला बनाया है। अरे मसाले स्पाइडर मैन नहीं, स्पाइडर ने बनाया है वो। अरे हटा दिया मैंने, मुझे बहुत डर लगता है इन सबसे। अरे दोस्तों, अंदर भी लोगों ने दीवारों पे लिखा है, देखो क्या लिखा, आई लव टीना। पागल है, सब मुंह पे लिखा करो, यहाँ पर नहीं। चलो फिर ड्राइंग क्लीन कर देते हैं सारी, यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्लीन मी। चलो साफ करते हैं पहले, होने वाला है, हो गया। लगता है और कोई ड्राइंग नहीं बची है। अरे नहीं टारो भैया, ये आगे देखो, पता नहीं क्या बना रखा है एलियन टाइप का। अरे सबसे पहले आई लव टीना को मिटाओ। मुझे समझ नहीं आ गया है, ये मसाओ का काम है, ये मसाओ ने लिखा है? हाँ, उसकी हैंड राइटिंग भी ऐसी है, मैंने देखा है, मसाओ ने किया है। मसाओ ने किया है। चलो दोस्तों, एक बार स्कैन करके देखते हैं कि कुछ बचा है कि नहीं। अरे तो पीछे ट्रेन खराब है, इस ट्रेन के टायर में तो कोई गड़बड़ी है, हम इसे सही करेंगे तभी चल पाएगी। चलो दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे सामान रखते हैं, और हमें यहाँ पर ये सब रखना है। सबसे पहले चार चेयर लगानी है, सस्ती वाली अच्छी लग रही है, इसको लगाते हैं, और ये सस्ती भी है, और इस पे बैठ के लोग इंतजार करेंगे ट्रेन का। और वैसे भी ट्रेन अपने टाइम से 10 घंटा लेट होती है, इसको इधर साइड लगा देते हैं। अरे ये देखो, चेयर्स तो लग गई, हम लोग को लगाना है कूड़ेदान, मतलब डस्टबिन। और अगर डस्टबिन नहीं लगा तो जैसा पहले गंदगी थी वैसी हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत छोटा डस्टबिन है, इसमें तो कोई एक आदमी कूड़ा फेंकेगा और डस्टबिन भर जाएगा। चलो दोस्तों, अब लगाते हैं साइन बोर्ड, इस पे पता चलेगा ट्रेन कितनी देर में आने वाली है। पर इसकी स्क्रीन तो ऑन ही नहीं हो रही है। अरे क्योंकि ट्रेन अभी नहीं आएगी, स्टेशन नहीं सही है पूरा। ये देखो दोस्तों, बाहर का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, चलो वेटिंग रूम में चलते हैं। ये तो पूरा खाली हो गया, जो सामान उन्होंने तोड़ा था चलो उसको वापस रख देते हैं। सबसे पहले लगाते हैं बहुत सारी चेयर, छोटे लगाते हैं, सस्ती है। अरे पर कहाँ पर लगाओ, कहाँ पर लगाओ, चलो यहाँ से चेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। अरे यहीं पे लगाओ, और लगाओ। हाँ और लगा दो, वैसे भी बाहर बहुत कम चेयर्स हैं, लोग कहाँ पर वेट करेंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है, चलो एक क्लॉक लगाते हैं। चलो यहीं पे लगा देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का एक ऑफिस भी है, ये रहा ऑफिस, चलो एक क्लॉक यहाँ पे भी लगा देते हैं, लग गए। चलो दोस्तों, आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। ये वेंडिंग मशीन है जिसमें पैसे डालो और खाना बाहर निकल आता है, चलो यहीं पर रख देते हैं। अरे मसाओ, तुमने ये उल्टा रख दिया है। अरे मैं रख देता हूँ, रुको इसे सीधा कर दिया और इसको रखेंगे यहाँ पे। अब लोग यहाँ पर खाना खरीद सकते हैं, और अब सबसे मेन चीज जिससे हम लोग की कमाई होगी। अरे कौन सी चीज है, कौन सी? अरे
बेवकूफ पागल लड़के टिकट मशीन। उससे लोग टिकट खरीदेंगे और ट्रेन पर चढ़ेंगे। आना जल्दी डस्टबिन लगा वरना फिर सब गंदा हो जाएगा। चलो डस्टबिन यहाँ पर लगाते हैं। अरे क्या इसके बगल में रख देते हैं, लोग खाना फेंकेंगे, ये तो बहुत बड़े हैं सब। और दोस्तों हम लोग को अलग कोना ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया कभी भी गिर सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। दोस्तों हमें कुछ डेकोरेशन आइटम खरीदने थे इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है। देखो पहला है स्नोमैन। अरे पर ये तो यहाँ पे पिघल जाएगा। अरे नहीं पिघलेगा, वो प्लास्टिक का है। अब तो इसको देखने के लिए और लोग आएंगे यहाँ पे। अरे तो कुछ नहीं, दूसरा मैंने खरीदा है एक बैल का स्टैचू। अरे मिस्टर तुमने क्या खरीद लिया है? अरे इसमें लिखा था तो मैंने खरीद लिया। ये देखो हमारा पूरा वेटिंग रूम रेडी हो चुका है। अरे दोस्तों कुछ करने से पहले मुझे वॉशरूम जाना है। अरे बहुत गंदा है, मुझे सही करना होगा। ना क्या पता किसी पसंद के लग जाए और वो कहीं और ही कर दे। अरे तो जल्दी सही करो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अरे तो गलती से टूट गया क्या? अरे नोबिता नोबी, अब तुम कहीं पे भी कर लो झाड़ में जाके। चलो दोस्तों अब जल्दी से अपना ऑफिस सही करते हैं, उसके बाद हमारा रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। चलो सबसे पहले ऑफिस के लिए टेबल लगाते हैं और थोड़ी बहुत शेल्फ भी रख देते हैं और एक स्टोरेज रैक भी लगा देते हैं, उसमें लोग अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रखेंगे। एक चेयर भी लगा देते हैं जल्दी से क्योंकि मेरे पैर में दर्द भी हो रहा है। चलो हम लोग अपने टेबल पे एक लैपटॉप रख देते हैं और साथ में एक टेलीफोन रख देते हैं। दोस्तों इस ऑफिस रूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है इसलिए हम लोग यहाँ पे कैमरा लगा देते हैं। यहाँ पे रख दी बुक्स, अब तो हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है ऑफिस। दोस्तों हम लोगों ने स्टेशन की लाइट सही कर दी, अब यहाँ से लाइट आ जाएगी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, उजाला उजाला। चलो दोस्तों सबसे फाइनल काम, अब हमें बस अपनी ट्रेन को सही करना है। पर हम लोग कोई मैकेनिक थोड़ी ना है। अरे अरे मैं हूँ मैकेनिक, मुझे आता है। ये देखो मैंने अपना हथियार निकाल लिया, चलो इसको यहाँ से सही करते हैं। इसको ऐसे करना है और ये और होने वाला है। अरे वाह अरे भैया तो बहुत स्मार्ट निकले। अरे वाह, अरे मैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, बस गोल गोल ही तो घुमाना मैं करता हूँ। इधर वाला हो गया, हो गया। चलो एक बार चेक करते हैं, सब कुछ हो गया है मुझे लग रहा है अब। अरे हो गया। अरे पागल मसाओ, ट्रैक पे इतना बड़ा पत्थर रखा है, ट्रेन उलट पुलट हो जाएगी इसके ऊपर, बता रहे हो गया है। ले जाओ इसको ऐसे। मैं ले जाता हूँ, सॉरी। चलो फिनिश दबा देते हैं, हो गया। हमारा भी स्टेशन चले गए, उसमें लोग आएंगे और हम लोग पैसे कमाएंगे। अरे दोस्तों हमारे ट्रेन स्टेशन में कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग उससे भी अच्छी चीज खोलेंगे जो कि है एयरपोर्ट। ये सामने ही तो है अपना एयरपोर्ट, चलो चलते हैं। और हमें इस एयरपोर्ट को भी अच्छे से रेडी करना होगा। अरे दोस्तों इसके रनवे पे तो बहुत सारी घास सूखी पड़ी है, ऐसे तो एरोप्लेन आएगा और इसमें फंस जाएगा और क्या पता टूट फूट जाए। चलो फिर घास काटते हैं। अरे नहीं, पहले हमारे पूरे एयरपोर्ट में लाइट ही नहीं है, इसलिए पहले हमें लाइट लानी होगी क्योंकि एयरपोर्ट 10 साल से बंद है। इस दरवाजे से ही लाइट सही होगी, तो चलो इसका ताला तोड़ देते हैं। खुल गया। माय गॉड, तुमने तो 10 साल पुराना कमरा खोल दिया। चलो अंदर चलते हैं। अंदर मत जाओ, क्या पता कोई भूत हमारा गला पकड़ ले। अरे जल्दी चलो, थोड़ा सही से चलना, कहीं मैं फंस के गिर ना जाऊं। इतना अंधेरा यहाँ पे। मसाला तो गिर गया। चलो मैं लाइट चलाता हूँ, मुझे कोई भूत मत करना कुछ। अरे वाह लाइट आ गई, चलो चलते हैं। अरे दोस्तों अगर तुम लोग सोच रहे हो हमें इसे साफ करना है, ऐसे नहीं साफ करना, ये तो स्टोरेज है, गंदा ही रहेगा। हाँ हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक। दोस्तों वो लोग फोन पे कह रहे थे कि एक प्लेन रात में 10 बजे लैंड होने वाला है, तो हमें उसके आने से पहले अपना एयरपोर्ट रेडी करना होगा। दोस्तों हम लोग का पहला काम ये रहेगा कि हम लोग पेड़ काट दें यहाँ के सारे। हाँ क्योंकि अगर बड़ा सा प्लेन लैंड हुआ ना तो उसकी पंखुड़ी ट्री से लड़ जाएंगे और प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए रनवे के साइड वाले पेड़ काट देते हैं। और ये कट गया। अरे वाह। अरे मसाओ तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम ये बाकी के भी काट दो प्लीज। ठीक है, ये तो मेरा पाया हाथ का काम है, इसको काटता हूँ। और ये कट गया। चलो दूसरी साइड के पेड़ काट देते हैं। अरे अब एकदम मैं भी काट लेता हूँ। 1 2 3 कट गया। और ये सारे पेड़ कट गए। अरे लेकिन एक मिनट, ये पीछे क्या गिर रहा है? मुझे लग रहा है कि वो टाइम बम है, शायद थोड़ी देर में हमारा पूरा एयरपोर्ट ब्लास्ट हो जाए। अरे रुको मैं इसे खोल के देखता हूँ अपने वेपन से। ये अंदर क्या है मामा? तो इसमें कोई बम तो नहीं है? अरे इसमें तो वो है वो। अरे क्या है? अरे वही वो है। अरे बोलो ना। ये है ब्लोअर, इससे हम अपने एयरपोर्ट की सारी धूल साफ कर सकते हैं। ये देखो ऐसे। अरे वाह ये तो बहुत काम की मशीन है, इससे तो सब एक बार में साफ हो जा रहा है। अरे वाह ये तो पूरी धूल साफ कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे वाह बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह। अरे रुको मुझे भी करना है, तुम सारा कर दोगे क्या? मुझे भी तो दो। अरे वाह ये तो सारी धूल एक बार में साफ कर रहा है, और ये जो रास्ते में घास है हमें इसे भी साफ करना है। ये देखो दोस्तों हम लोगों ने आधी जमीन साफ कर दी है। बाकी भी कर देते हैं, करो 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 करो, हो गई। चलो अब इधर वाली साइड भी कर देते हैं। अरे मसाला टोमेटो मैं करूंगा। अरे वाह हो गया। ये देखो ट्रैक एकदम साफ हो चुका है। अरे वो सब छोड़ो, हमारे घर पे एक बकरी चढ़ गई है। और यहाँ पे लिखा है कि हमें उसे बचाना है, कैसे बचाएं? अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे बचाएं इसको? अरे पर ये चढ़ी कैसे? उतर जाओ तुम, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं है ये। अरे दोस्तों पीछे एक और एयर ड्रॉप गिर रहा है। चलो देखते हैं इस बार कोई और भी अच्छी मशीन आ जाए जिससे हम लोग अपना एयरपोर्ट साफ कर सकते हो। अरे तो फिर जल्दी खोल के देखते हैं। खोलो खोलो हमारे इसको। अरे बाप रे ये कौन सा कैमरा निकल आया? दोस्तों इस वाली मशीन से हमें घास काटनी है। चलो फिर घास काटना शुरू करते हैं। अरे घास तो मेरे पैर पे कर रही है। दोस्तों मैंने भी झाड़ियों के बीच में एक सांप देखा था, वो भी बड़ा वाला। क्या कहा? सांप? भागो जल्दी करो, जल्दी करो, भागो जल्दी। अरे मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, जल्दी।
हमारे मसान ने तो रनवे के बगल की सारी घास ही काट दी इतनी जल्दी। अब हमें बस रनवे के जो बीच में घास लगी इन्हीं को काटना है। यहाँ पे भी घास काट दो, बहुत सारी है। अरे यहाँ भी काट दो। दोस्तों यहाँ की पूरी घास साफ हो चुकी है और ये का फिर से आसमान से कुछ ड्रॉप हो रहा है। लगता है कोई और नई मशीन आने वाली है। जल्दी से इसको तोड़ो, तोड़ के देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये क्या, इसके अंदर तो ये पानी वाली मशीन है, ये पानी फेंकती है। पर इससे क्या करना है? अरे यहाँ ऊपर लिखा है कि सामने वाला घर हमें साफ करना है इससे। अरे ये तो बहुत कूड़े का बाड़ा पड़ा है। अरे तो जल्दी से इस कूड़े का बाड़े को यहाँ से हटाओ, इसके भी चिथड़ी उड़ा दो, तहस नहस कर दो सब कुछ। चलो दोस्तों बाहर चलते हैं। अरे लेकिन ये क्या, ये बकरी तो ऊपर से नीचे उतर गई है, कहाँ से उतरी तुम बताओ जरा। तो तुम्हें ला दूं? अरे ऐसा मत करो, वो तो भाग गए। चलो इस घर को एकदम चमका देते हैं। अरे भाई पानी तो बहुत अच्छे से धूल उठा रहा है। लेकिन एक मिनट, ये है किसका घर? हम लोग दूसरे का घर क्यों साफ कर रहे हैं? हम लोग को तो एयरपोर्ट साफ करना था। ये देखो दोस्तों अंधेरा हो रहा है, 10 बजने वाला है। अरे हमारे साथ साथ कुछ चल रही है। अरे हटो, यहाँ पे थोड़ी देर प्लेन लैंड होने वाला तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। अरे दोस्तों अंधेरा बहुत हो रहा है, जल्दी से इसमें देखते हैं ये क्या इसके अंदर। गिफ्ट बॉक्स है, मुझे लगता है इसमें लाइट होगी। चलो खोल के देखते हैं। अरे भाई ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से? अरे पागलो मसाओ सही कह रहे थे, लाइट है, जल्दी से यहाँ पे रखो, अंधेरा बहुत हो रहा है, प्लेन क्रैश हो जाएगा। अरे तुम हटो यार, जल्दी हटो, जल्दी करो, प्लेन एक मिनट में लैंड होने वाला है। अरे रनवे के किनारे किनारे लाइट लगा दो ताकि प्लेन को उतरने का रास्ता दिखे, वरना मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखो दोस्तों हमने सब कुछ लगा लिया और प्लेन लैंड होने वाला है। अरे लेकिन ये क्या हुआ, बिजली गिरी और सारी लाइट चली गई। अरे जल्दी पीछे का प्लेन लैंड हो रहा है, जल्दी करो। अरे जल्दी चलो वापस से मेन स्विच ऑन करते हैं, वरना प्लेन को रनवे नहीं दिखेगा, वो कहीं पे भी लैंड हो जाएगा। जल्दी स्विच ऑन करो, जल्दी करो। हाँ ये रहा मेन स्विच, जल्दी से इसको ऑन करता हूँ और ये हो गया। अरे वो प्लेन लैंड हो रहा है, हम लोग बच गए। ये हम लोगों ने सक्सेसफुली प्लेन को लैंड करा दिया। इसी खुशी में आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करो और प्लीज एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।